हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए आगे बढ़े उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच, क्लैट यूजी 2025 के लिए विजेता बैच क्लैट पॉइंट ने लॉन्च कर रखे हैं। रिसेंटली बैच अभी हमारा मंडे से शुरू हुआ है, आप लोग चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में, बहुत ही शानदार कंटेंट, 7 बुक्स आपके घर पे, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू एस दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। 21,999 का 2024 का बैच है और क्लैट 2025 की 2 साल की फीस ओनली 32,999 है। ठीक है, रिजल्ट की बात है तो आप लोग देख ही रहे होंगे, कल अभी एनएलसेट का एग्जाम आया, रिजल्ट आया। एनएलसेट जानते हो क्या होता है, 3 ईयर लॉ के लिए एनएलएसआईयू में एडमिशन जो होता है, और आपने रिजल्ट देखा ही है कि हमने डाले हैं। तो ऐसे ही क्लैट के भी रिजल्ट आपके यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखो अब आज जो है ना, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है इंडिया में, लेकिन ये एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसमें जो भी चीजें बन सकती हैं वो सब कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और 21st सेंचुरी का वन ऑफ द, मतलब इसको बिगेस्ट इस तरीके का हादसा कहा जा रहा है। इससे पहले अगर मैं कोई ट्रेन का इंसिडेंट रिकॉल करता हूँ जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, द टाइम आई एम मेकिंग द वीडियो 300+ आसपास जो है वो डेथ टोल को बताया जा रहा है। लास्ट टाइम ऐसा यूपी में हुआ था, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, 90s में था, जब 350+ लोगों की मृत्यु हुई थी ट्रेन हादसे में। तो ये वो पूरा इंसिडेंट है। अब अपन इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम में अगर आया तो आ सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो हम दो चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये पूरा इंसिडेंट, जो जितनी भी चीजें इन्वॉल्व थी, क्यों हुआ, और दूसरा फिर कवच सिस्टम। ठीक है, और तीसरा ये क्वेश्चन कि क्या कवच सिस्टम के होने से ये हादसा रुक सकता था क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो दो ट्रेन जो यहां पे इन्वॉल्व थी ना, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। तो एक थी कोरमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यह हादसा हुआ था जो कि उड़ीसा में स्थित है, और करीबन जब मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ तो 300 पीपल के आसपास जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 300+ भी हो चुका है। तो अभी ऑफिशियल आंकड़े धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे चीजें बेटर होंगी। 900+ यहाँ पे लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो पहली जो ट्रेन थी जो इसमें इन्वॉल्व थी उसका नाम क्या है, कोरमंडल एक्सप्रेस। दूसरी आपकी जो ट्रेन थी ना वो थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इस इंसिडेंट में तीसरी ट्रेन भी इन्वॉल्व थी जिसका नाम था मालगाड़ी। मालगाड़ी समझते हो, जो सामान ढोने के लिए यूज करी जाती है, जिसमें खिड़की विड़की नहीं होती, सब स्टील के डब्बे होते हैं, बंद होते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। ऑल्दो हम सबको ही पता होगा, हम सभी ने बचपन से ये सब चीजें देखी हैं, बट इफ अगर आप इतने प्रिविलेज हैं कि आपने नहीं देखी है तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो ये पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, ये आप देखिए जो बालेश्वर जगह है ना, यहाँ पे ये घटना घटी थी, और इस रेलवे स्टेशन का नाम ध्यान रखना, नियर बहानगा बाजार स्टेशन इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहानगा करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके बगल में ये घटना घटी है। इस स्टेशन का नाम क्या है, बहानगा। ये आपकी कहाँ है, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बालेश्वर करके जो जगह है, यहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर बहानगा बाजार स्टेशन इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा इस इमेज की तरफ देखो, एक आपकी ट्रेन थी बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये बेंगलोर से आ रही थी किसके तरफ, हावड़ा की तरफ। कोरमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चलते हुए बेंगलोर की तरफ, सॉरी चेन्नई की तरफ जाने की प्रयास में थी। अब ये इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ जिसके वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो इस लेवल पे चला गया कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई और इतना मैसिव लेवल पे ये एक मतलब एक्सीडेंट हो गया। जैसे बहुत बार ट्रेन आपने डिरेल होते हुए देखी हैं या सुनी होंगी, लेकिन इंसिडेंट इतने बड़े नहीं होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइमलाइन समझते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हुआ क्या था। 3:20 के आसपास ना कोरमंडल एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा स्टेशन को छोड़ के आगे बढ़ती है। ठीक है,
6:30 के आसपास कोरमंडल एक्सप्रेस जो है वो बालासोर पहुंचती है, 7 PM के आसपास कोरमंडल एक्सप्रेस जो है वो डिरेल हो जाती है, और यहां से जो दूसरी वाली ट्रेन आती है 7:20 PM के अप्रोक्स ये इंसिडेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगा, वो समझने की कोशिश करना। एक होती है मेन लाइन, एक होती है टू लूप लाइन। ठीक है, मेन लाइन क्या होती है, जैसे ये देखो आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आप देखते हो दो लाइनें सब मेन आज की डेट में हर जगह होती हैं। एक जमाना था जब एक ही लाइन होती थी, तब क्या होता था एक बार में एक ही ट्रेन उस स्टेशन के आसपास से गुजर पाती थी। अब क्या होता है, एक आने वाली एक जाने वाली, इनको क्या बोलते हैं, मेन लाइन। ठीक है, अब एक टर्म होती है लूप लाइन। लूप लाइन क्या होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी इसी पे मान लो कहीं मिल जाएगी, इसको लाओ थोड़ा अच्छे से ही बना दूं वरना आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाए। ये जो लूप लाइन भी है ना, ये इसी, ये देखो जो यही वाली जो ट्रैक है ना, इसी से लूप लाइन निकलती है आगे। ठीक है, और यहीं कहीं आके मिल जाएगी, क्योंकि मेन तो लाइन दो ही है जो पूरे स्टेशन से आगे बढ़ रही हैं, और ये भी एक क्या हो गई आपकी लूप लाइन। ठीक है, तो ये जो लूप लाइन होती है ना, ये भी आप स्टेशन में बहुत बार देखते होगे। देखो जब भी आप कभी ट्रेन में सफर करे होगे, तो जब भी कोई बड़ा स्टेशन आने वाला होता है उसके पास हम क्या देखते हैं कि साइड से जो है ना लूप लाइन जा रही है। ठीक है, मतलब आप बड़े स्टेशन के आसपास देखते होगे कि जब आप जा रहे हो तो अगल बगल भी एक पटरियां जो है वो आगे जाती हैं, क्योंकि स्टेशन पे एक बार में 6-7 ट्रेनें खड़ी करने की कोशिश की जाती है। तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि लूप लाइन क्या है। ठीक है, तो लूप लाइन देखते हैं पहले। ये वाली जो थी ना, ये लूप लाइन थी। अब जब ये ट्रेन आ रही थी ना, इस लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी थी। कौन खड़ी थी, मालगाड़ी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लूप लाइन के अंदर एक आपकी मालगाड़ी खड़ी थी। ठीक है, और आपकी जो कोरमंडल एक्सप्रेस आई थी वो डिरेल हो गई और इस मालगाड़ी से जाके टकरा गई। ठीक, इसको अपन किसी और कलर से ले लेते हैं। जब कोरमंडल एक्सप्रेस जो है जब डिरेल हुई, तो वो यहां से उसकी कुछ कोचेस निकल के इस मालगाड़ी से टकरा गए। फिर क्या होता है, जो आपकी दूसरी ट्रेन थी हावड़ा एक्सप्रेस, जब ये डिरेल होके खड़ी मतलब पड़ी हुई थी वहां पे, जब इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था, तो जो हावड़ा एक्सप्रेस थी ना वो जाके और उससे भिड़ गई, और फिर इस लेवल का ये मैसिव पूरा का पूरा एक्सीडेंट हुआ। आपको समझ में आया, कोरमंडल एक्सप्रेस पहले ही डिरेल हो गई थी, लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा कर, अब क्या हुआ, जो जब मालगाड़ी से टकराई कोरमंडल एक्सप्रेस, तो उसके काफी सारे कोचेस पलट के मेन लाइन पे आ गए थे। अब जब मेन लाइन से ये ट्रेन गुजरी, जिसका नाम था हावड़ा एक्सप्रेस आई थिंक, तो वो ट्रेन जब है जब उस मेन लाइन से गुजरी, तो फिर दोनों का क्लैश हुआ, जो कोचेस पड़े हुए थे और उस ट्रेन से थे, तो उसके वजह से फिर ये एक्सीडेंट और मैसिव लेवल पे हो गया, और ये जो रीजन था जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट आपने देखने को मिला। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। ये जो देखो जो दूसरी ट्रेन आ रही थी ना, वो 127 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही थी। ठीक है, जिसके वजह से आपको ये सारे चीजें देखने को मिला। ठीक, एक बार ना मैं पीछे वाली स्लाइड खोल देता हूं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक, समझ में आई यहां पे? ठीक है, ठीक है, चलिए ये टाइमलाइन देखो आप यहां से कर सकते हो कि कोरमंडल एक्सप्रेस के लाइन से डिरेल हो गई, फिर हावड़ा एक्सप्रेस मूविंग ऑन डाउन लाइन हिट्स कोरमंडल एक्सप्रेस, और ये पूरा इंसिडेंट जो है हमने देखा। तो ये लूप लाइन समझ में आया, ये चीज समझ में आई। अब देखो जब 127 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोई ट्रेन चलती ना, तो इतना आसान नहीं होता है कि वो देख रहा है कि कोच पड़ा हुआ है तो ब्रेक लगा के रोक दें, तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहा। अब इसमें जो मेन रीजन सामने आ रहा है कि क्यों ये इंसिडेंट हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन सामने आ रहा है, क्या, ह्यूमन एरर। ये कहा जा रहा है कि भाई मानव की गलती से हुआ है। इसमें देखो कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि सिग्नल सही नहीं दिए गए थे, कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई बंदों ने ध्यान नहीं दिया, या जो भी है। अब इस पे कमेटी बैठेगी, चीजें होंगी, सामने आएगा क्या रीजन है, लेकिन फिलहाल जिनके परिवार ने इस एक्सीडेंट के अंदर इतने सारे अपने
रिलेटिव्स को खोया है, उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। एक अभी वीडियो वायरल हो रही थी कुछ दिन, कल की ही बात है, और एक अंकल हैं वो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं और इतनी सारी बॉडीज़ के अंदर वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो मतलब वो इंसिडेंट देख के ना दिल दहल गया। तो इस तरीके की चीज़ें कभी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, बट अब हो गया है। इस तरीके का एक इंसिडेंट इससे पहले जब हुआ है इतना बड़ा, वो 1995 में हुआ है फिरोजाबाद में, 350 प्लस लोगों की उस समय मृत्यु जो है वो हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, कवच के बारे में, कि कवच सिस्टम क्या है, क्यों इसका इतना नाम लिया जा रहा है, और क्या कवच सिस्टम के होने से ये क्या इंसिडेंट रुक सकता था। तो अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कवच सिस्टम क्या है। ठीक है, देखो पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। बाहर की कंट्रीज में ना कवच सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप ये समझो कि वो बहुत कॉस्टली है, 2-2.5 करोड़ रुपए 50 किलोमीटर के ऊपर उसको यूज़ करने में लग जाते हैं। इंडिया ने ना इतना महंगा तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमारे यहाँ पे इंडिजियस बनाया गया, मतलब हमारी इंडियन सरकार ने डिसाइड किया कि हम हमारे यहाँ पे ही बनवाएंगे, और उसको जो बनाया उसका नाम रखा था कवच सिस्टम। और ये 50 लाख जो है लगते हैं करीबन 50 किलोमीटर के एरिया में इसको ऑपरेशन करने में। ठीक है, तो कवच जो है एक इंडिजियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, जिसको भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत की RDSO, क्या नाम है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन ने बनाया है। इट इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विच हैज बीन इंडिजियसली डेवलप्ड बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ये देखो, जब दो बजट आया था ना, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का, उस समय आत्मनिर्भर भारत में इसकी घोषणा करी गई थी कि हम कवच सिस्टम लाएंगे, और उसमें जो मेन चीज रखी गई थी वो ये रखी दी गई थी कि फॉरेन में तो यूज होता है, फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन वहां पे बहुत कॉस्टली होता है, तो हम इसको भारत के हिसाब से भारत के लिए बनाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे मतलब इसमें देखी गई थी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कवच सिस्टम में, कवच सिस्टम काम कैसे करेगा पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम इसकी जो लैंग्वेज है ये सब देख लेंगे। देखो अगर दो ट्रेनें जा रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर दोनों एक ही ट्रैक पे हैं या कुछ भी है इस तरीके की चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। यही है बेसिकली कवच सिस्टम का। इवन ये भी बोलते हैं कि अगर सिग्नल जो है वो बंद है तब भी कोई ट्रेन आ रही है तब भी वो ट्रेन रुक जाएगी। तो ये कवच सिस्टम का काम है। अब कवच सिस्टम जो है ये सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 SIL फुल स्टैंडर्ड्स के थ्रू बनी है। इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपसे पूछेंगे भी नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है ये सब अपने काम का नहीं है। पहली बार कवच सिस्टम का ट्रायल कब किया गया था, March 4, 2022। ठीक है, कब किया गया था, March 4, 2022, और ये किया गया था गुलगुडा चित्तगाटा रेलवे स्टेशन के बीच में। ठीक है, गुलगुडा चित्तगिड्डा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है अगर दिख रहा हो तो आपको, और बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नोट कर लेना। ये साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसका, एज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रायल सारी चीज़ें करी थी, तो वहाँ पे इसका सबसे पहले टेस्ट हुआ है। इसमें देखो एक चीज़ और है, जब ये टेस्ट हुआ था तो हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये खुद उस समय लोको पायलट, जो लोको जो ट्रेन होता है, ठीक है, तो लोको पायलट के साथ ये भी वहाँ पे मौजूद थे, और फिर ये कवच सिस्टम का ट्रायल किया गया था। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर कवच सिस्टम होता तो ये ट्रेन रुक सकती थी, ये इंसिडेंट रुक सकता था। तो इसमें देखो अलग अलग जानकार जो हैं वो अलग अलग बात कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ रुक सकता था, पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो सबसे बड़ी एक जो बात है ना वो ये है कि अगर एक ट्रेन ऑलरेडी एक एक्सीडेंट में थी तो दूसरी ट्रेन को रोका क्यों नहीं गया, जबकि देर आर थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस। तो ऑफकोर्स देर इज़ ए ह्यूमन एरर हुई हैं, बट अब वो किसने करी हैं क्या करी हैं ये तो विथ टाइम पता पड़ेगा। लेकिन जो बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें जिनके परिवार में लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है। अब आज की डेट में चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी ले आए, लेकिन जो इंसिडेंट हो गया है पास्ट कैन नॉट बी चेंज, तो वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ठीक है, चलिए, रेलवे टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स विद डबल लॉक्स। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है यार, एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं है, पढ़ लेना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, आफ्टर अ 7-year gap, ईरान सेट टू रीओपन एम्बेसी इन रियाद।
तो ये आज की एक न्यूज है। देखो क्या है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया की बन नहीं रही है, मतलब काफी समय से नहीं बन रही थी। सऊदी अरेबिया ने अपनी एम्बेसी ईरान में बंद कर दी थी 2014-15 के आसपास, जब ईरान के कुछ लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था प्रोटेस्ट के दौरान। और उसके बाद वैसे भी इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं देन, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज़ क्लोज टू US और ईरान जो है आपका नॉर्मल हो गया, तो फिर इसलिए तो ईरान जो है वो वैसे भी एंटी US रहता है, US उसको पसंद नहीं करता है और ये सारी चीज़ें हमें पता ही हैं। तो ईरान जो है ना, अभी इनके रिलेशन थोड़े से चाइना ने मीडिएट करके सही कराए थे, तो ईरान ने जो है अपनी अब एम्बेसी जो है वो रियाद में ओपन कर दी है। सऊदी अरेबिया कब करेगी अभी ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी एंड थोड़ा समझना, नोट्स में डाल देना। थैंक यू सो मच, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।